हेलो शुक्रन, हमारा आज का टॉपिक है अवॉइड टू फिक्स स्केल इन एयर राइफल। एयर राइफल में शूटर को फिक्स स्केल को अवॉइड करना है। मैं आज आपको ये लॉजिकली बताऊंगा कि एयर राइफल में शूटर को फिक्स स्केल को क्यों अवॉइड करना। फर्स्ट लॉजिक हमारा क्या है कि जो हमारी रेंजें होती हैं उस रेंज के ऊपर जो सेंटर है टारगेट का वो 140 सेंटीमीटर होता है। तो 140 सेंटीमीटर के साथ साथ क्या है कि उसमें वेरिएशन हो सकती है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि या तो टारगेट 139 पे भी लग सकता है या 141 पे भी लग सकता है। जहां पर ये वेरिएशन आ गई, जिस रेंज के ऊपर ये वेरिएशन आ जाएगी के टारगेट या तो नीचे है या टारगेट ऊपर है, तो वहां पर अगर शूटर फिक्स स्केल को यूज कर रहा है, फिक्स स्केल का मतलब ये है कि शूटर ने एक डिसाइड किया होता है कि उसको उतने ही पाउंड खोलने हैं, वो स्केल को नापते हैं और रख लेते हैं कि उसको उतने ही पाउंड खोलने हैं, चाहे वो घर वाली रेंज के ऊपर कर रहा है या वो बाहर रेंज के ऊपर कर रहा है या किसी भी थर्ड रेंज के ऊपर कर रहा है, तो वो उतने ही पाउंड खोलता है, तो वहां पर ये गलत हो जाता है। इसीलिए शूटर को फिक्स स्केल को यूज नहीं करना। अब सेकंड लॉजिक हमारा ये है कि गर्मियों के अंदर हमारा जो सर्कल है फ्रंट साइड का वो नीचे की तरफ जाएगा और जो सर्दियां आएंगी तो हमारा जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ आएगा। वो गर्मियों में इसलिए नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि शूटर ने कम कपड़े डाले हुए होते हैं, इनर वगैरह नहीं डाली होती है, जो शरीर है वो हमारा पतला सा लगता है, तो उसके कारण वो जो हमारा फ्रंट सर्कल है वो नीचे आएगा। और सर्दियों में क्या होता है कि हम अगर एक भी इनर शूटर ने एक्स्ट्रा डाल ली तो क्या होगा कि उसका जो शॉर्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे क्योंकि सर्कल ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि थोड़ा शरीर हेल्दी सा हो जाएगा एक भी इनर के कारण। या आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि आप दिसंबर में प्रैक्टिस तो आप दिल्ली में कर रहे हैं, नेशनल की प्रैक्टिस जो आप दिल्ली में कर रहे हैं, आपने सर्दी के मुताबिक कपड़े डाले हुए हैं, लेकिन आपका जो नेशनल है वो केरल में हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब आप केरल में खेलने जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, आपको कपड़े उतने कम करने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस तो हमने ज्यादा कपड़ों में करी, लेकिन जब हम मैच कर रहे हैं हमें उतने कपड़े कम करने पड़ेंगे, तो हमारा जो सर्कल है फ्रंट साइड का वो नीचे आ जाएगा। अगर शूटर वहां पे फिक्स स्केल को अपनाएगा तो वो इस वेरिएशन को कभी भी दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिक्स स्केल अपनाने से ना तो हम पैर को कम खोल सकते हैं ना ही ज्यादा खोल सकते हैं, जिसके कारण उसके शॉट ऊपर नीचे जाते ही रहेंगे। थर्ड लॉजिक हमारा सब यूथ और यूथ शूटर के लिए है। सब यूथ और यूथ शूटर की जो बॉडी है वो ग्रो करती है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट होता है वो जून में होता है और जो नेशनल है हमारा दिसंबर में होता है। इसके बीच में 6 महीने का अंतर होता है। अब कम से कम इस 6 महीने में शूटर की बॉडी है जो सी वो ग्रो करेगी। अगर वो फिक्स स्केल का इस्तेमाल करेगा तो उसका जो राइफल का फर्स्ट सर्कल है वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा, तो वो अगर पैरों को कम और ज्यादा नहीं कर पाएगा तो वो उस सर्कल को सही जगह पे नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो फिक्स स्केल का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए इन तीनों लॉजिक को लेके शूटर को फिक्स स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है। शूटर को स्केल का अगर इस्तेमाल करना है तो वो जिस भी रेंज के ऊपर जाता है वहां पर प्रैक्टिस के दौरान पहले अपनी पोजीशन बना ले और राइफल की सेटिंग को सही जगह पे लेके आए और मौसम के मुताबिक और वहां की रेंज के मुताबिक वो स्केल का इस्तेमाल करे, फिक्स स्केल का इस्तेमाल ना करे। थैंक यू।